Spy Short Time. तो जो नई वाली 5-door थार है उसको पहली बार ही टेस्टिंग करते हुए देखा गया और इससे हमें दो चीजें पता चलती है। पहली चीज ये है कि इस गाड़ी के लॉन्च जल्दी होने वाला है, वेरी गुड। और सेकंड चीज ये है कि काफी सारे यूट्यूबर्स ऐसे बढ़िया बढ़िया व्यूज लेने वाले हैं, तो इसके लिए वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। पर दोस्तों आज थोड़ी बहुत प्रेडिक्शंस वगैरह करते हैं इस गाड़ी के ऊपर कि इस गाड़ी में क्या क्या ऐसे कूल आने वाला है जो कि मुझे लगता है, और फिर जब इस गाड़ी का लॉन्च होगा देखेंगे कि इस गाड़ी की कितनी प्रेडिक्शन सही है और कितनी नहीं। और आप सभी कमेंट में लिख के बताना कि आपकी क्या प्रेडिक्शन है इस गाड़ी को लेके। और उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना, हमारे 6,55,000 सब्सक्राइबर हो गए, 35,000 रहते हैं होली 69 में, 6,90,000 में, और एक रियल कार वर्सल प्रो बन जाओ। पहले दोस्तों अगर आप एवले स्पाई शॉट देखें तो इस गाड़ी की बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन पता चल रही है, जिसमें अगर आप देखें जो पहला वाला स्पाई शॉट है उसमें इस गाड़ी की बैक दिख रही है, जिसमें आपको एक डिफरेंस मिलता है कि इस गाड़ी में आपको सेकंड रो ऑफ डोर्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाली थार जिसमें आपको एक ही रो ऑफ डोर मिलती है। उसके अलावा अगर आप देखें तो आपको और बहुत ही सारे डिफरेंस मिलते हैं, जिसमें आपको सेम बम्पर मिलता है, आपको सेम पीछे अलॉय मिलता है जो कि कवर्ड है। और अब आप सोचोगे डिफरेंस है क्या, मुझे खुद नहीं पता क्या डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सेम लग रही है, जिसमें आपको सेम लाइट वगैरह मिल रही है। और अगर आप सेकंड स्पाई शॉट देखें तो इस गाड़ी की सामने वाली लुक्स दिख रही है, जिसमें अगर आप देखें तो आपको दोबारा बहुत ही सारे डिफरेंस मिलते हैं, जिसमें आपको सेम लाइटें मिलती है, आपको सेम ग्रिल मिल रही है, आपको सेम सामने का बम्पर मिलता है मोटे वाला, साथ ही में आपको मोटे मोटे साइड के फेंडर मिलते हैं। लेकिन आपको एक डिफरेंस मिलता है कि ये जो 5-door थार है इसमें आपको वही वाले अलॉयज मिलते हैं जो कि स्कॉर्पियो क्लासिक में आते हैं या फिर नॉर्मल वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो में आते हैं। तो उससे हमें क्या पता चलता है, उससे कुछ पता नहीं चलता, ये बस टेस्टिंग हो रही है। लेकिन दोस्तों इससे एक चीज पता चलती है कि अभी हमने कुछ महीने पहले जो हमारे कार डिजाइनर है सुभाजीत, उनके साथ जो 5-door वाली थार है उसके कंसेप्ट मॉडल बनाए थे और उसमें हमने जो नॉर्मल वाली स्कॉर्पियो है उसके लॉज को यूज किया था। तो इसे पता चलता है हमारे बिग ब्रांड के बारे में कि हमने पहले ये वाली चीज प्रेडिक्ट कर ली जो कि अभी तक हुई भी नहीं थी सही। और बाकी दोस्तों यही सब है, और दो तीन इसके ऊपर स्पेकुलेशन चल रही है, जिसमें एक स्पेकुलेशन ही है कि इस गाड़ी में आपको वही वाला प्लेटफॉर्म मिलने वाला है जो कि स्कॉर्पियो एन में यूज होता है। सेकंड इसकी स्पेकुलेशन ही है कि इस गाड़ी का जो लॉन्च है 2023 वाले ऑटो एक्सपो के आसपास होने वाला है। पर दोस्तों ये सब तो नॉर्मल लोगों ने बता दिया, अब हमें अपने कार्वर्सल प्रो वाला दिमाग इस्तेमाल करके, अपने गीगा चार्ट वाला दिमाग इस्तेमाल करके इस गाड़ी पे थोड़ी प्रेडिक्शंस करनी पड़ेगी और उसके बाद देखते हैं कि उनमें से कितनी सही होती है हमारी प्रेडिक्शंस। तो अब दोस्तों ये हमारी फाइल है जिसमें हम अपनी ज्योतिषी प्रेडिक्शंस लिखने वाले हैं, थार 5-door predictions, जिसमें दोस्तों अगर आप मेरी पहली prediction देखें जो कि काफी obvious है और होने ही वाली है, जिसमें prediction मेरी ये है कि अगर आप देखें जो थार 5-door है उसमें आपको वही वाले इंजन मिलने वाले हैं जो कि आपको थार 3-door में मिलते हैं, आपको XUV700 या फिर आपको स्कॉर्पियन में मिलते हैं। लेकिन इसमें आपको पार्ट डिफरेंस मिलने वाला है, जिसमें जो 2.2 लीटर का डीजल है उसमें आपको थार 3-door में आपको अराउंड 130 हॉर्स पर मिलती है, लेकिन जो 5-door है उसमें आपको 170 हॉर्स पर मिलने वाली है। और वही अगर आप पेट्रोल में देखें तो जो थार 3-door है उसमें आपको 150 हॉर्स पर मिलती है, लेकिन जो 5-door है उसमें अराउंड आपको 200 हॉर्स पर मिलने वाली है, जो कि बहुत ही ऑब्वियसली है, ऐसे कुछ प्रेडिक्शन वगैरह है नहीं, तो इसलिए ऐसे नॉर्मल सी चीज है, ये तो स्पेकुलेशन ही है। तो इसलिए मोर पावर फ्रॉम बोथ द इंजन्स। फिर दोस्तों मेरी दूसरी प्रेडिक्शन है, या फिर प्रेडिक्शन भी नहीं है, मेरी एडवाइस है महिंद्रा को कि अगर आप थार 3-door देखे तो अगर आप उसके अंदर बैठे ऐसा लगता नहीं है यार इतनी बढ़िया गाड़ी में बैठे हो आप, ऐसे थोड़ी रगेड सी गाड़ी है, ऐसे थोड़ा प्लास्टिक से इंटीरियर है। और अब आप कहोगे भाई वो गाड़ी ऑफरोडिंग के लिए बनी है तो इसलिए इस गाड़ी में ऐसा इंटीरियर हो गई। पर दोस्तों मान लेते हैं कि जो थार 3-door है उसका सोल काम है सिर्फ ऑफरोडिंग करना, लेकिन जो 5-door है उसमें थोड़ी फैमिली वगैरह भी बैठने वाली है, थोड़े और लोग बैठने वाले हैं, तो इसलिए इस गाड़ी में जो थोड़ी ऐसे फील है थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए एज कम्पेयर टू थार 3-door। तो इसलिए मुझे क्या लगता है कि इस गाड़ी में आपको बहुत चेंजेस मिलने वाले इंटीरियर में, ताकि ये गाड़ी थोड़ी और प्रीमियम बने, थोड़ी और ऐसे रिफाइंड बने, जिसमें जो डैशबोर्ड है उसमें आपको हो सकता है कि ऐसे थोड़ी बढ़िया अफोल्स्ट्री मिले, आपको डिजाइन से ही मिलेगा लेकिन आपको अफोल्स्ट्री वगैरह थोड़ी बढ़िया मिल जाए। साथ ही में अगर आप डैशबोर्ड में देखें, साथ ही में अगर आप थार 3-door में देखें, तो डैशबोर्ड में आपको बहुत ही बेकार स्क्रीन मिलती है, लेकिन जो 5-door है उसमें आपको स्कॉर्पियो एन वाली 8-inch की स्क्रीन मिल सकती है। थर्ड दोस्तों मुझे क्या लगता है कि ये जो नई वाली थार आने वाली है इसमें आपको नया स्टीयरिंग मिलने वाला है जो कि थोड़ा एडवांस होगा, और जैसे जो महिंद्रा की नई वाली कार्स में आ रहा है वैसा होने वाला थोड़ा बहुत, जिसमें आपको थोड़े और कंट्रोल्स मिलेंगे, आपको थोड़े और फीचर्स मिलेंगे। फिर दोस्तों इंटीरियर में और क्या लगता है मुझे कि अगर आप थार 3-door देखें, अगर आप उसके डोर ओपनिंग वाले हैंडल देखें तो ऐसे ब्लैक कलर के प्लास्टिक में होते हैं जो कि बहुत ही बेकार लगते हैं, लेकिन जो उसका ओवरऑल डिजाइन है वही वाला है जो कि आपको स्कॉर्पियो एन में मिलता है। तो इसलिए मुझे क्या लगता है कि जो थार 5-door है उसमें आपको स्कॉर्पियो एन वाले ग्रे वाले डोर हैंडल्स मिल सकते हैं, डोर ओपनिंग वाले, तो इसलिए उसमें आपको थोड़ी और बढ़िया फील मिलेगी। फिर दोस्तों मुझे और क्या डिफरेंस लगता है कि जैसे जो थार अगर आप 3-door देखें तो उसमें आपको जो सीटें वगैरह है वो आपको ब्लैक मिलती है और जो पूरा इंटीरियर है आपको ब्लैक मिलता है, लेकिन जो 5-door वाली थार है उसमें हो सकता है कि जो डैशबोर्ड है, जो रूफ है वो आपको ब्लैक मिलती है, लेकिन जो बाकी उसकी सीटें वगैरह है वो आपको बेज में या फिर ऐसे थोड़े और लग्जूरियस कलर में मिल सकती है, ताकि जो गाड़ी की रूमिनेस है थोड़ी और बढ़ते हुए देखे, थोड़ी और ऐसे कूल लगे बड़ी बड़ी। तो इसलिए मेरी क्या प्रेडिक्शन है, मोर लग्जरी एंड
बेटर फील इन द इंटीरियर। फिर दोस्तों मेरी अगली प्रेडिक्शन क्या है कि अगर आप देखें जो थार थ्री डोर वाली है वो आपको दो डिफरेंट रूफ फॉर्मेट्स में मिलती है, जो कि एक तो प्लास्टिक वाली रूफ है और एक कन्वर्टेबल वाली रूफ है क्लॉथ वाली। लेकिन दोस्तों जो फाइव डोर थार है उसमें आपको थोड़ी और ऐसे सिटी लाइक फील मिलने वाली है, तो इसलिए मुझे क्या लगता है कि जो फाइव डोर थार है उसमें आपको मेटालिक वाली रूफ मिलने वाली है फिक्स्ड वाली, और सिर्फ आपको सामने थोड़ा सा डिटैचेबल पार्ट मिलने वाला है, बाकी जो पूरी रूफ है आपको फिक्स्ड मिलने वाली है। और दोस्तों इसमें मुझे एक और चेंज क्या लगता है कि जैसे अगर आप रैंगलर देखें उसका जो फाइव डोर वाला वर्जन है उसमें आपको पीछे थोड़ा सा कन्वर्टेबल पार्ट मिलता है जो कि आप या तो फिक्स में ले सकते हैं या तो आप क्लॉथ में ले सकते हैं, वैसा इस गाड़ी में आपको मिलने वाला है जिसमें जो पीछे वाला पार्ट है एकदम लास्ट वाला उसमें आपको कन्वर्टेबल का या फिर आपको प्लास्टिक ऑप्शन मिल सकता है, जो कि ऐसे बहुत ही कूल लगेगा ऐसे एकदम ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी। तो मेरी अगली प्रेडिक्शन है नहीं विल हैव अ मेटालिक रूफ। फिर दोस्तों अगली मेरी और प्रेडिक्शन क्या है कि काफी लोग जो है स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जो थार फाइव डोर है उसमें आपको वही वाला प्लेटफॉर्म मिलने वाला है जो कि स्कॉर्पियो एन में आता है, और स्कॉर्पियो एन में आपको पता ही है कि क्या एक बड़ी डिसएडवांटेज है कि जो उसकी थर्ड रो है उसमें आपको इतनी बेकार स्पेस मिलती है, उसमें कोई कंफर्टेबली बैठ नहीं सकता। तो अब आप देखें जो स्कॉर्पियो एन है उसका साइज बहुत ही बड़ा है, लेकिन जो थार फाइव डोर है उसमें आपको छोटा साइज मिलने वाला है ताकि जो गाड़ी की फील है थोड़ी और ऐसे ऑफ रोडिंग वाली बने, ताकि जो उसका व्हील बेस है छोटा रहे और छोटी व्हील बेस से ज्यादा बड़ी ऑफ रोडिंग होती है। तो इसलिए इस गाड़ी में आपको अगर सेवन सीट मिलती है तो एकदम आपको बेकार स्पेस मिलने वाली है, और काफी चांस ही है कि जो उसकी थर्ड रो सीट होने वाली है वो आपको साइडवर्ड फेसिंग वाली मिलने वाली है, ताकि जो उसकी सीटिंग कैपेसिटी है वो भी सही रहे, साथ ही में जो लेग स्पेस है वो भी बढ़िया रहे। तो इसलिए भाई मेरी ये स्पेकुलेशन है और ये मेरे ख्याल से 100% होने वाली है, क्योंकि कोई गाड़ी मुझे ऐसी लगती नहीं आसपास की जिसमें आपको ऐसे तगड़ी स्पेस मिले जिसमें मेरे ऐसा ऐसा लंबा बड़ा बंदा बैठ पाए। तो इसलिए विल हैव स्कॉर्पियो एन प्लेटफॉर्म विद लीस्ट स्पेस। फिर दोस्तों मेरी अगली प्रेडिक्शन है कि अगर आप देखें जो महिंद्रा थार थ्री डोर है उसमें हमको बहुत ही छोटा व्हील बेस मिलता है और आपको कम लोगों की सीटिंग कैपेसिटी मिलती है, तो इसलिए उस गाड़ी की जो सस्पेंशन है थोड़ी से स्टिफर साइड पे है और स्पेशली पीछे वाली वो कुछ ज्यादा थोड़ी स्टिफ है। तो इसलिए दोस्तों मुझे क्या लगता है कि जो फाइव डोर वाली थार है वो क्योंकि थोड़ी लंबी होने वाली है, तो इसलिए इस वाली गाड़ी में आपको थोड़ी और सॉफ्टर सस्पेंशन मिलेगी ताकि ये गाड़ी थोड़ी और सिटी लाइक बन जाए, थोड़ी और ऐसे नॉर्मल बन जाए चलाने में। तो इसलिए मेरी प्रेडिक्शन है सॉफ्टर सस्पेंशन फॉर द दोस्तों ये मेरी प्रेडिक्शन है। फिर दोस्तों मेरी अगली प्रेडिक्शन है कि अगर आप देखें जो थार थ्री डोर है उसमें आपको डिफरेंशियल लॉक मिलती है, एक ऐसे लीवर सा मिलता है जिसमें आप ऐसे डिफरेंशियल लॉक लगा सकते हैं और बढ़िया बढ़िया अपनी गाड़ी में ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। तो जो फाइव डोर वाली थार है उसमें आपको ये तो मिलेगा, पर मुझे क्या लगता है कि आपको वैसे वाला रोटेटरी नॉब भी मिलने वाला है जैसे आपको स्कॉर्पियो एन में मिलता है, जो कि ऐसे रोटेट करके आप डिफरेंट डिफरेंट ऑफ रोड मोड्स को सिलेक्ट करके ऐसे बढ़िया बढ़िया ऑफ रोडिंग कर सकती है, और वो थोड़ा ऐसे प्रीमियम भी लगता है, थोड़ा और कूल भी लगता है, तो इसलिए इस वाली गाड़ी में आ सकता है। तो इसलिए स्कॉर्पियो एन फोर एक्सप्लोर मोड, नहीं हाँ शायद ये भी हो सकता है कि जो नई वाली थार है या फिर थार फाइव डोर है उसमें आपको फोर एक्सप्लोर फोर व्हील ड्राइव सिस्टम मिल जाए, वो बढ़िया होगा भाई। ये तो मेरी प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट सच होने वाली है भाई, इसमें मैं कंफर्म हूँ। और दोस्तों जो मेरी लास्ट प्रेडिक्शन है कि अगर आप देखें जो इस गाड़ी के लॉन्च है 2023 में एक्सपेक्टेड है ऑटो एक्सपो के आसपास, और अगर आप देखें जो महिंद्रा की ऑलमोस्ट सारी गाड़ी है यहाँ तक इनकी XUV300 और उनकी स्कॉर्पियो क्लासिक भी, उन सब गाड़ियों में आपको जो नया वाला महिंद्रा का ट्विन पीक वाला लोगो है वो आपको मिलता है, लेकिन अभी तक जो थार है उसमें आपको नहीं मिलता और उसमें कोई अपडेट भी एक्सपेक्टेड है नहीं। तो मुझे क्या लगता है कि जब महिंद्रा अपनी फाइव डोर वाली थार को अनवील करेंगे साथ ही में उसके जो थ्री डोर वाली थार है उसका भी एक फेसलिफ्ट लॉन्च कर देंगे जिसमें आपको थोड़े बहुत चेंजेस मिलने वाले हैं इसकी लाइटों वाइटों में, इसकी ग्रिल में, इसके हो सकता है पावर में आपको मिले, साथ ही में इसमें आपको नए वाले लोगोस मिलने वाले हैं और आपको थोड़े बहुत चेंजेस मिलने वाले हैं ताकि ये गाड़ी एकदम फेसलिफ्टेड बन जाए और अप टू डेट बन जाए। और ये महिंद्रा साथ में लॉन्च कर देंगे अपनी फाइव डोर वाली थार के, जैसे उन्होंने पहले वाली स्कॉर्पियो को अपडेट करके स्कॉर्पियो एन के कुछ हफ्ते बाद ही लॉन्च कर दिया, तो वैसे इस गाड़ी में होने वाला है। तो देखते हैं भाई इस गाड़ी का क्या होता है और अगले साल इस गाड़ी का लॉन्च होने वाला है, और इसके लॉन्च पे आपको एकदम डिटेल सारी कार्वर्सल पे मिलने वाली है, तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप इधर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिलने वाली है कि क्यों एक बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर का प्राइस ऑलमोस्ट 90 लाख का होता है और कैसे इन वाली कार्स को ग्रेड करा जाता है, तो इधर क्लिक करो और उस वाली वीडियो को जाके देखो।